हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसने देश को पूरी तरह से दहला दिया है। जम्मू से श्रीनगर जा रही सीआरपीएफ की 70 गाड़ियों के काफिले पर कश्मीर के पुलवामा में किए गए आतंकी हमले में 37 जवान शहीद हो गए, वहीं बहुत से जवान घायल हो गए हैं। वहीं इस भीषण आतंकी हमले को देखकर बॉलीवुड एक्टर्स काफी गुस्से में हैं और सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत पर अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार ने क्या कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। अजय देवगन: हॉरिबल एंड डिस्कस्टिंग, एंगर कांट बी पुट इनटू वर्ड्स, हैशटैग कश्मीर टेरर अटैक। प्रियंका चोपड़ा: एब्सोल्युटली शॉक्ड बाय द अटैक इन पुलवामा, हेट इज नेवर द आंसर, स्ट्रेंथ टू द फैमिलीज ऑफ द मार्टियर जवान एंड द सीआरपीएफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द अटैक। सलमान खान: माय हार्ट गोज आउट फॉर द जवान्स ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री एंड देयर फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एज मार्टियर्स टू सेव आवर फैमिलीज, हैशटैग यू स्टैंड फॉर इंडिया। अनुपम खेर: सैडली सैडन्ड एंड सो एंग्री टू नो अबाउट द काउडली अटैक ऑन सीआरपीएफ इंडिया कॉन्वे इन पुलवामा, माई हार्ट गोज आउट टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु हैव टूडे लॉस्ट अ सन, अ ब्रदर, अ हजबैंड और अ फादर, प्रेयर्स फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। अक्षय कुमार: नम बियॉन्ड बिलीव एट द डेस्टार्डली टेरर अटैक ऑन सीआरपीएफ सोल्जर इन पुलवामा, मे गॉड गिव पीस टू देयर सोल्स एंड स्ट्रेंथ टू देयर ग्रीविंग फैमिलीज, विशिंग द इंजर्ड अ स्पीडी रिकवरी, We can't let this be forgotten. Arjun Kapoor: Saddened and shocked to hear of the cowardly attack on our CRPF jawans in Pulwama. My heart goes out to their families. बता दें कि बॉलीवुड स्टार्स के अलावा राजनीति और आम जनता भी जमकर इस हमले की कड़ी निंदा कर रही है। वहीं मोदी सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो इस हमले पर चुप नहीं बैठेगी और दुश्मनों को करारा जवाब देगी। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defence personnel they have to do, they will do the needful because yes. This is not right. This is really, really sad. Thank you. अभी हुआ है। इससे बुरा लगता है जब यू नो वायलेंस होता है और हमारे जवानों का जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स अभी किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने भी मुझे खबर दिया है, तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला था, मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। आई मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन, या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू। हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था, एज यू नो कि मैं हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं,
ये पूरी मीडिया जानती है। आई एम अ हार्ट एट हार्ट, आई गॉट महेश भट्ट ब्लड फ्लोइंग थ्रू माई वेन्स एंड बोथ ऑफ अस डू नॉट शाय अवे फ्रॉम ट्रूथ। अनकंफर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूंगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि व्हेन लाइव्स आर एट स्टेक एंड वी टॉकिंग अबाउट आवर जवान्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, यू गॉट टू थिंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर यू जस्ट यूज दीज प्लेटफॉर्म्स टू मेक कॉमेंट्स। दैट्स इट, थैंक यू। She's very unless until I know about it, as Pujadi says, I follow her. Once I get to know about it, I will make it come along. आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं, अपने स्टुपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना जनता सड़क पर उतरकर जय हिंद। प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है, जिस तरह से उन्होंने हमारे 40 जवानों को घायल कर दिया है, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको अभी सर्जिकल स्ट्राइक से समझ नहीं आई। हम यही चाहते हैं कि अब आर पार की बात हो। Thank you.
दरअसल हमारा प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है, जिस तरह से उन्होंने हमारे 40 जवान को घायल कर दिया है, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको अभी सर्जिकल स्ट्राइक से समझ नहीं आई। हम यही चाहते हैं कि अब आर पार की बात हो।